IB 700 का, ये IB 700 का इंस्टॉलेशन वीडियो है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो पीछे का जो बेस पाइप है, ये नीचे का जो मेन बेस पाइप है बड़ा वाला, इसको कनेक्ट करना है जो पीछे का रियर साइड का वेस्टेक का जो ऑरेंज कलर का पाइप है उसके साथ में। ठीक है, उसको ऐसे इस तरह जैसे दिखाया है इस तरीके से नट बोल्टिंग करनी है उसको, और उसके बाद ये जो वर्टिकल पाइप जो है उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में ये जो वर्टिकल पाइप दिख रहा है इसको इस तरीके से इंस्टॉल करना है। इसकी जो एक सिंगल पुली का साइड है वो पीछे के साइड में रहेगा, जिसमें जहाँ पे पुली लगने वो बैक साइड में रहेगा, और जो ये दो पुली वाला है जहाँ पे अपना जो जिसमें ये जो सीट कवर लगेंगे ये साइड आगे की साइड में लगेंगे, और इसको इस तरीके से नट बोल्टिंग करना है। इसके बाद में हमें जो ये आगे का लेग कल का जो पाइप है बेस वाला, इसको लगा लेना है। इसको आगे के जो दो होल है उनके साथ में फिटिंग करनी है खाली। इसका भी जो क्लैंप वाला साइड है वो आगे के साइड में रहेगा। उसके बाद में ये जो सीट का बेस पाइप है अपने को इसको लगा देना है। इसका जो ज़्यादा मैक्सिमम इंक्लाइन साइड है वो आगे के साइड में रहेगा, और जो कम इंक्लाइन साइड है वो पीछे के साइड में रहेगा। उसको भी जो हार्डवेयर दिए गए हैं उनके साथ में फास्टनिंग करना है। ये अपना लग गया ये वाला पार्ट। इसके बाद क्या करना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसको फिट करना है आपको मशीन के साथ में ऊपर। इसको असेंबल करने के बाद ये जो दो स्टील के पाइप आए हुए रहते हैं अपने साथ में, ठीक है, इनको असेंबल करना है। तो इसके लिए क्या होते हैं, दोनों स्टील के पाइप यहाँ पे उसके अंदर डालते हैं और इसके ऊपर ये रबर पिलर डालते हैं दोनों, और उसके बाद में एक से एक करके टोटल 11 ये प्लेट आएगी, और उसके ऊपर ये बड़ी वाली जो है वो एक प्लेट आएगी, उसको फिट करना है। और उसके बाद में ये जो स्टील के दोनों पाइप है इनको ऊपर के साइड में नट रहते हैं उससे टाइट कर देने का, ठीक है, और ये फिर उसके बाद ये जो दो नट है उनको थोड़ा सा फिट करने का है। और उसके ये सब होने के बाद में जो साइड के पिलर है अपने, ये वाले जो दो है वर्टिकल पिलर्स, इनको फिट करना है। एक नीचे से ग्राउंड से नट बोल्टिंग होती है उन दोनों की, और एक जो रहते हैं ये जो ऑरेंज कलर का साइड पिलर है इसके साथ नट बोल्टिंग हो जाती है। ये लगाने के बाद फिर आप अपने जो एक्सेसरीज वगैरह जो है, मतलब ये डी बार हो गया, ऊपर का एक हैंडल है, उनको इंसर्ट अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ये लेक का, ये आपके साथ मशीन के साथ में प्री इंस्टॉल आता है, फोर मोटर वगैरह वो सब चीज़ें लग के आती है। फिर ये पूरा असेंबल हो जाता है। उसके बाद में सिर्फ आपको ये जो लेफ्ट का हैंडल रहता है एक, और एक राइट का हैंडल रहता है, उनको ये जो क्लैंप है इसके बीच में इसे फिट करना होता है। जो स्लीव आए हैं इसको अंदर ही रहते हैं दोनों, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का दोनों साइड के नट इसको टाइट करना है, इन दोनों को नट को टाइट करना है, और ये जो नॉब है ऊपर का उसको भी टाइट करना है। ये सिर्फ सेंटर अलाइनमेंट के लिए रहता है, मतलब मशीन का जो अलाइनमेंट है हैंडल का इनको सेट करने के लिए अपन वो इसको टाइट और लूज करते हैं। इसको लूज करके इसका अलाइनमेंट चेक कर लेने का, उसके बाद में इसको अपन टाइट कर सकते हैं। हैंडल लगाने के बाद जैसे सीट लगा लेने के अपने को, जो है सीट वगैरह लग गए अपने लाइक दिस, ओके, प्रीचल पैड, नीचे का बेस सीट और ऊपर का बैकरेस्ट का सीट, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है केबल राउटिंग। तीन केबल होती है अपने पास बेसिकली, एक सबसे छोटी एक मीटर में और एक सबसे बड़ी वाली होती है। जो दो केबल है उसमें वायर बॉल लगी होती है, इसको वायर बॉल बोलते हैं, ये वायर बॉल लगी होती है दो केबलों में, और एक केबल होते हैं जिसको अपन बटरफ्लाई के लिए यूज़ करते हैं, उसके पीछे उसमें कोई वायर बॉल वगैरह लगा नहीं रहता है। तो सबसे पहले अपन को वही केबल फिट करनी है जिसमें वायर बॉल नहीं लगा हुआ है, वो बटरफ्लाई की केबल होती है, ठीक है, उसको यहाँ से फिट करते हैं। हैंडल का जो पीछे की साइड है यहाँ से फिट कर, एक नट बोल्टिंग उसको कर लेने की, और दूसरा जो एंड है उसको यहाँ से पास करने का है। फिर नीचे ये डब्ल्यू पुली जो रहती है इसको डब्ल्यू पुली बोलते हैं, इसको ऐसे हैंगिंग रखना पड़ेगा आपको। तो बाद में यहाँ से भी पीछे से तो केबल को लेके जाके इस पुली के ऊपर लेके गए, फिर तो उसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने पहले जो बटरफ्लाई केबल है वो लग जाते हैं। उसके बाद में अपन को ऊपर वाले केबल जो कि अपनी लैटको की केबल है, जो शॉर्टेस्ट केबल है, और उसके एक साइड में वायर बॉल है, उसका वायर बॉल आगे की साइड में रहेगा, और जो दूसरा एंड है वो पीछे जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, इससे डब्ल्यू ये जो है डबल पुली बोलते हैं इसको, इसके अंदर से जाके ऊपर से फिर ये जो वेस्टेक की प्लेट है उसके साथ में बोल्टिंग हो जाती है। इस तरीके से जो टॉप की केबल है उसको असेंबल करना होता है। उसके बाद में आती है अपनी जो बॉटम की केबल है, लेकल की केबल, उसको लगाने की, वो सबसे लॉन्गेस्ट केबल होती है। उसमें भी सेम फ्रंट साइड में ऐसे वायर बॉल रहता है, और अंदर साइड में सिर्फ एलन लॉक रहता है। सो वायर वॉल फ्रंट फेसिंग में रख के एलन लॉक डालना है यहाँ से, मतलब जो अनदर एंड है वो यहाँ से पीछे, फिर यहाँ पे इससे ये जो डबल पुली थी जो कि पहले से हैंगिंग है उसके ऊपर डाल के इसके नीचे से फिर ये वाली इसको फॉलो करिए,
ऊपर लेके जाना है, फिर ये जो डबल पुली थी इसकी जो नीचे की जो जो मतलब उसको केबल चढ़ी दी थी उसके ऊपर से डालना है। यहाँ से थोड़ा नीचे आता है जो कि सीट के बैक लेफ्ट की पुली रहती है, और इसके ऊपर से वो जो अपोजिट साइड में उस पुली के आगे आ जाता है वो, ठीक है। और उसके लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ ये जो एलन लॉक है, जो एलन की दी होती है मशीन के साथ में, उससे खोल के आपको ये सब परफॉर्म करना पड़ता है। डायरेक्टली तो जाती नहीं है क्योंकि नीचे की साइड में ऐसे होल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो इसको अपन को खोल के, सिर्फ ये केबल जो है इसको खोल के अपने को पूरा घुमाना है, और उसके बाद में ये एलन की जो है इसको तीन नट रहते हैं, एक दो और तीन, बॉल डाल के इसके तीनों नट जो है वो टाइट कर लेने होते हैं। तो इस टाइप से अपना जो बेसिक इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सिर्फ बैक रेस्ट के कवर रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर ये जो वे है इसमें क्लैंप से इसमें बोल्टिंग हो जाते हैं दोनों कवर्स।